तो रेशनल नंबर्स को हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया, और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो उसी कंसेप्ट से एक नया टॉपिक डेवलप होता है, उसको हम लोग देखते हैं वो क्या है। तो ये नंबर लाइन है, और नंबर लाइन पे ये 0 होगा और ये आपका 1 होगा। और इसे पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि कैंटर डेडकिंड एक्जियम जो था वो क्या कहता था, वो कहता था कि हर एक पॉइंट पर एक रेशनल नंबर होता है, हर एक पॉइंट पर एक रियल नंबर होता है। चलिए रेशनल नहीं बल्कि सीधे कहेंगे आप वहाँ पे रियल नंबर होता है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि इस नंबर लाइन पे, इस नंबर लाइन के इस टुकड़े पे कितने पॉइंट्स होंगे, इस 0 से लेकर के 1 तक का जो टुकड़ा है इसमें कितने पॉइंट्स होंगे। तो इसमें होंगे टोटल इनफाइनाइट पॉइंट्स, ओके, यानी इसमें पॉइंट्स की कोई काउंटिंग नहीं है, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब कैंटर डेडकिंड एक्जियम क्या बताता है कि हर पॉइंट पर एक नंबर तो होता ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ओके। ये चीज़ समझ में आई आपको, तो फिर से ध्यान से समझिएगा कि ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये 0 है और ये आपका क्या है, 1 है। और कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी या फिर कैंटर डेडकिंड एक्जियम क्या कहता है कि हर पॉइंट पर एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता है। अब आप बताइए कि इस छोटे से टुकड़े पे कितने पॉइंट्स होंगे। तो इस छोटे से टुकड़े पे आपको पता है इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट टॉपिक। अब ये जो प्रॉपर्टी है, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इस प्रॉपर्टी को भी एक नाम दिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बड़ा ही यूनिक चीज़ है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेंसिटी प्रॉपर्टी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ऑफ रियल नंबर्स, ओके। तो इस डेंसिटी प्रॉपर्टी क्या बताता है कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं डेंसिटी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ओके। अब इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमसे कहा जाएगा, अब हमें तो पता चल गया कि हाँ भाई दो नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होंगे। तो हमसे अब एनसीईआरटी ने हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है भाई जान गए तुम, चलो अब दो नंबर्स दे दिए जाते हैं, अब इनमें से कुछ नंबर्स आप निकाल के दिखाओ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, यानी हमें दो रेशनल नंबर दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इनके बीच में कोई एक 10, 20 या 50 रेशनल नंबर्स फाइंड करके दिखाइए। तो नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं हम लोग। तो इसके लिए दो नंबर लेते हैं, कोई भी दो नंबर हम चूज करते हैं और देखते हैं कि उनके बीच में कैसे नंबर्स फाइंड किया जाए। तो सबसे पहला नंबर लेते हैं हम 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्वेश्चन नंबर 1 है। कहा जाएगा कि 1 और 2 के बीच में एक रियल नंबर फाइंड करके दिखाइए। तो इसको फाइंड करने का एक फॉर्मल तरीका हम यूज करते हैं यहाँ पे। हम क्या करेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लेते हैं हम। तो हमें क्या करना होगा, दो नंबर्स जब भी दिए जाएंगे और उनके बीच में कोई एक रियल नंबर फाइंड करना होगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके। तो इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं हम। सो वन नंबर वन वन या फिर रेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 2 अपॉन 2 मीन्स 3/2, ये आपका आंसर हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर एक नंबर कहा जाए फाइंड करने के लिए तो कोई भी दो नंबर हो आप उनको ऐड करेंगे, सम करेंगे उसका और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरीके से आप दो नंबर्स के बीच में कोई भी एक नंबर फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 1/2 एंड 1/3 कहा जाए कि 1/2 और 1/3 के बीच में एक रेशनल नंबर पता करो। अभी फिलहाल हम लोग एक वन रेशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस में आगे के आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक से ज़्यादा रेशनल नंबर्स को फाइंड करना भी हम लोग सीखेंगे। तो लाइन से सीक्वेंस में चलिए, पहले एक रेशनल नंबर फाइंड करना सीख लेते हैं, उसके बाद से और भी ज़्यादा नंबर फाइंड करना हम लोग सीखेंगे। तो 1/2 एंड 1/3, तो यहाँ पे क्या होगा, रेशनल नंबर बिटवीन
वन बाई टू एंड वन बाई थ्री इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करोगे आप? तो दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वन बाई टू और वन बाई थ्री को आपने ऐड कर दिया और उसमें टू से डिवाइड कर देंगे, टू से ऐसे डिवाइड कर देंगे, ओके। अब टू से डिवाइड करने को हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि हम इसमें वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप किसी नंबर में टू से डिवाइड करते हैं तो इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि हम 1 बाई टू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 से डिवाइड करो या 1 बाई टू से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, ऐड कर दिया और उसमें 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड करने के लिए हमें ये करना था लेकिन थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, इसलिए हमने क्या किया, 1 बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भी एक ही बात हो गई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बाई टू छोड़ देते हैं और इसको हमें एलसीएम लेना है, एलसीएम लेते हैं आप। तो यहाँ पर जाएगा 3 प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा 1 बाई टू इंटू 5 बाई 6। ये क्या आंसर आएगा आपका, 5 बाई 12। दिस 5 बाई 12 लाइज बिटवीन 1 बाई टू एंड 1 बाई 3, 1 बाई टू और 1 बाई 3 के बीच में ये लाई करेगा, ओके। तो ये था आपका दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक सिंगल रेशनल नंबर फाइंड करने का तरीका। और ये जो तरीका हम यूज कर रहे हैं, ये इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो कहा जाएगा कि इफ़ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर्स देन a plus b by 2 is lies between a and b। तो क्या कहा जाएगा कि a और a plus b by 2 जो होगा वह कहाँ लाई करेगा, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में लाई करेगा, ओके। तो एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब इसके बाद से हम देखते हैं, मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होंगी आपको। अब देखते हैं हम लोग एक से अधिक रेशनल नंबर हमें अगर फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हम वही छोड़ देते हैं, वन बाई टू, वन एंड टू को छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब हम इसके बीच में एक नंबर ना निकाल करके हम इसके बीच में पांच नंबर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन वन एंड टू। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले वन एंड टू जो नंबर है उसको ऐसे लिख लेते हैं हम। फिर हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 by 1 and 2 by 1, ओके। तो इसके नीचे हमने 1 लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करेंगे, हमें कितने नंबर फाइंड करने थे, 5 नंबर फाइंड करने थे। तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर नीचे दोनों में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये जो नंबर होगा वो 6 by 6 बन जाएगा और ये जो नंबर होगा वो 12 by 6 बन जाएगा, ओके। तो ध्यान से देखो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम असल में इन दो नंबर्स के फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। हमने इस 1 को 6 by 6 लिख दिया और 2 को 12 by 6 लिख दिया। आप ध्यान से देखिए तो 6 by 6 कैंसिल हो करके 1 आ जाएगा और 12 by 6 भी कैंसिल हो करके 2 बन जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक्चुअल नंबर पे में कोई बदलाव नहीं किया, बस उसके फॉर्मेट को चेंज कर दिया। अब वो हमें डिफरेंट तरीके से दिखाई दे रहा है। 1 जो है वो 6 by 6 जैसा दिख रहा है और 2 जो है वो 12 by 6 जैसा दिख रहा है। अब हम इसी से फ़ायदा उठा लेंगे अपना, यानी हमने नंबर पे एक्चुअल हमारा नंबर जो था वो चेंज नहीं हुआ, बस उसकी रूपरेखा बदल गई, ठीक है। अब हम इसी का फ़ायदा उठा लेंगे। अब हमें पता है कि 6 by 6 और 12 by 6 के बीच में ढेर सारे नंबर दिख सकते हैं आपको। पहला हो सकता है 6 by 6 के बाद क्या आता है, 7 by 6 आता है। उसके बाद क्या आता है, 8 by 6 आता है। फिर क्या आता है, 9 by 6 आता है। फिर 10 by 6 आता है। फिर 11 by 6 आता है। ये आपके नंबर्स हो गए। अब इनको काउंट करो, ये टोटल कितने हैं, 5 रेशनल नंबर्स हैं। तो ये भी एक आसान सा मेथड है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। सिंपल है, बहुत ही सिंपल मेथड है। दो नंबर्स दिए जाएंगे, आपको क्या करना है, आपने देखो क्या किया, यहाँ पे आपने इन दो नंबर्स को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। आपने क्या किया, इन दो फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, तो ऐसे फ्रैक्शंस जो दिखने में तो डिफरेंट होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू सेम होती है। जैसे 1 by 2, 1 by 2 and 2 by 4, ये दोनों में दोनों दिखने में क्या है, डिफरेंट है, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है, 1 by 2 ही है, या सीधे कहा जाए तो 0.5 ही है। इसको भी जब आप चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.5। तो ये दोनों नंबर्स क्या हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहलाएंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमने क्या किया, इन दो नंबर्स को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर दिया और इनके बीच के नंबर्स को हमने गिन करके लिख दिया और हमारा काम हो गया, हमने अपना आंसर फाइंड कर लिया। तो ये था आपका मेथड दो से एक से अधिक नंबर्स फाइंड करने का तरीका, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं।
जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा 1/2 क्वेश्चन है आपका 1/2 एंड 1/3 के बीच में पांच नंबर पता करना। तो हम भी क्या करेंगे यहाँ पे, इन दो नंबर्स को लिखते हैं यहाँ पे 1/2 एंड 1/3। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे जो जब हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया था तो ये पहले से ही लाइक फ्रैक्शन में चेंज थे, लेकिन यहाँ पे इनका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको एलसीएम लेकर के इनका डिनोमिनेटर बराबर कर देंगे। तो इनका एलसीएम क्या मिलता है, 6, डिवाइड करो यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा 3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। इनको दोबारा आप क्या करें, सेपरेट कर दें, तो 3/6 एंड यहाँ क्या हो जाएगा 2/6। आ रहा समय, तो ध्यान से देखिए, ये 1/2 था और ये 1/3 था, अब ये क्या चेंज हो गया, 3/6, लेकिन अभी भी इसकी वैल्यू क्या है, इसको कैंसिल आउट करो तो वापस 1/2 ही मिलेगा, इसको कैंसिल करो तो 1/3 ही मिलेगा। यानी हमने क्या किया, फिर से इसके फॉर्मेट को, इस इन दो नंबर्स के फॉर्मेट को चेंज कर दिया। अब हम दोबारा क्या करेंगे, अब हमें नंबर कितने पता करने थे, 5, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3/6 इंटू 6/6, ओके, एंड ये क्या है आपका 2/6 इंटू 6/6, ये कितना हो जाएगा 18/36, एंड ये क्या हो जाएगा आपका 12/36। अब हमें पता है 12/36 से लेकर के 18/36 में के बीच में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, तो 12 के बाद क्या आता है, 13/36, उसके बाद 14/36, 15/36, ओके, 16/36, 17/36, तो ये आपके पांच नंबर हो गए जो 1/2 और 1/3 के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। इस तरीके से आप एक से ज़्यादा नंबर्स को भी फाइंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे क्या था, पांच क्वेश्चन पूछे गए थे, पांच रेशनल नंबर्स निकालना था, तो हमने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर अगर हमें 10 रेशनल नंबर्स निकालने के लिए कहता तो हम क्या करते, 11 से मल्टीप्लाई करते, यानी जितने नंबर्स निकालने के लिए बोला जाएगा आपको क्या करना है, उसमें एक ऐड कर देना है और उसी नंबर से जो हमारे फ्रैक्शंस हैं गिवन उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। लेकिन उससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से एक बार समझ लीजिए, दो नंबर्स दिए जाएंगे, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। लाइक फ्रैक्शन चेंज कर लिया आपने, अब हमें देखते हैं कि क्वेश्चन में कितने नंबर हमसे पूछे गए थे निकालने के लिए। तो यहाँ पे 5 कहा गया था तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर क्वेश्चन में कहा जाता चलो 15 रेशनल नंबर्स पता करो तो हम क्या करते, इन्हीं दोनों नंबर्स में हम 15 + 1 यानी 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते। तो अगर हमसे कहा जाए कि n रेशनल नंबर्स पता करो तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे n+1। मैंने ये एक जनरल फॉर्म है कि अगर n रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल के लिए अगर 25 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कहता है तो हम क्या करेंगे, 25+1 यानी 26 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमारे सारे नंबर्स फाइंड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका, दो तरीके थे, पहला वाला जो था वो क्या था, जिसमें दो नंबर्स के बीच में एक सिंगल नंबर पता करते थे, और दूसरा तरीका क्या है, एक से अधिक नंबर पता करने के लिए हम ये वाला तरीका यूज करेंगे। क्योंकि आप जो पहला वाला मेथड अगर यूज करेंगे इसको करने के लिए तो फाइंड तो हो जाएगा, लेकिन वो बड़ा ही लेंथी मेथड होगा, तो उस मेथड को हम लोग छोड़ेंगे क्योंकि वो काफ़ी लेंथी है, तो हम बिल्कुल उसका यूज नहीं करेंगे। हम इस वाले मेथड का यूज करेंगे जब संख्याएँ ज़्यादा हों, जब ज़्यादा नंबर पूछा जाए फाइंड करने के लिए, तो हम इस मेथड का यूज करेंगे, ओके। अब ये तो था हमारा, दो टॉपिक कंप्लीट हो गया। पहले टॉपिक में हमने देखा कि रेशनल नंबर्स को हम कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा टॉपिक हमने देखा कि दो नंबर्स के बीच में, दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, और हमने उनको फाइंड करना भी सीख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में, इरेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इरेशनल नंबर्स के बीच में कैसे इरेशनल नंबर्स हम लोग फाइंड करेंगे।